भी कोई दर्शन कर ले और उसके मुख से कोई आपका नाम सुन ले तो उसका क्या फल है? तो भगवान ने कहा काम करो, ये जानने के लिए तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। मृत्यु लोक में आप जाओ और देखो एक कोई कीड़ा है ना, वो रेंगता हुआ जा रहा है नाले के बगल से, उसको जाके तुम अपने दर्शन दो और उसको जाके एक बार मेरा नाम सुना दो। तो नाराज जी ने कहा ठीक है। नाराज जी ने कहा कि तुम ये बताइए कि कीड़ा मुझे बताएगा संतों के नाम की महिमा और संतों का दर्शन का फल। भगवान ने कहा मैं जैसा कह रहा हूँ करो तो सही। नाराज जी ने कहा ठीक है। नाराज जी गए और उस नाली के बगल में एक छोटा सा कीड़ा रेंगता हुआ जा रहा था, उसके पास जाके बोला हरे कृष्णा। अरे सुंदर कीड़ा मर गया। नाराज जी ने कहा हरे कृष्णा और कीड़ा मर गया। नाराज जी ने क्या हो गया भैया, इसका हार्ट अटैक आ जाएगा है? नाराज जी वापस गए भगवान के पास। भगवान भगवान आपने किसके पास भेज दिया मुझे? मैंने जैसे ही बोला हरे कृष्णा तो मर गया, आपका नाम का प्रभाव का क्या है, वो तो मर गया। आपका नाम जो नाम सुनने से आप तो कहते हो कि जो आपका नाम सुन रहे उसका उद्धार हो जाता है और वो तो मर गया। तो भगवान ने कहा कि नाराज जी ने कहा मुझे अपने नाम की महिमा बताओ, साधु संतों के दर्शन की महिमा बताओ और आपने उस बेचारे कीड़े को मरवा दिया। तो भगवान ने कहा एक काम करो, तुम एक काम करो, एक पक्ष वो है पेड़ है उसमें अभी एक तोते ने बच्चा दिया है, छोटा सा एक बच्चा हुआ तोते का अभी एक छोटा, तुम उस जाकर उसको अपने दर्शन दो भगवान के नाम की महिमा सुनाओ। नाराज जी ने कहा ठीक है। नाराज जी गए, वो छोटा सा तोते का बच्चा था, उसके पास जाते ही बोला हरे कृष्ण और वो भी लुढ़क गया। नाराज जी ने उठ क्या हो गए अरे उठे ना। नाराज जी को बड़ा गुस्सा है कि भगवान क्या कर रहे हैं, मुझसे पाप करवा रहे, मुझसे पाप करवा रहे हैं तो जीव जंतुओं को मुझसे मरवा रहे। तो भगवान के पास वापस गया कि भगवान आप क्या काम करवा रहे हो, मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ और आप जाके मुझसे मृत्यु लोग में हत्या करवा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ उनको आपका नाम सुना रहा हूँ तो मर जा रहे, ये कैसी कैसी नाम की महिमा आपकी। तो भगवान ने कहा ठीक है एक काम करो, बस एक बार और जाओ, अभी देखो एक नीचे एक गाय ने एक छोटा सा बच्चा बछड़ा दिया है, अभी बिल्कुल अभी बछड़ा अभी हुआ है, आप जाके उसको जाके बोलो भगवान के नाम की उनका नाम उसके सुनाओ और अपना दर्शन दो, देखो आपके नाम की महिमा आपको पता चल जाएगी। अब नाराज जी दोबारा गए उसके पास, नाराज जी ने कहा देखते हैं क्या है, गाय का बछड़ा नया नया हुआ था और गाय अपने बछड़े को चाट रही थी। नाराज जी उसके पास गए बछड़े के पास और उसके पास जाके बोला हरे कृष्ण और रोहित प्रोडक्ट किया। नाराज जी ये भगवान ने मुझसे गौत्या करवा दी, ये क्या करवा रहे मुझसे है। नाराज जी को बड़ा गुस्सा आया, भगवान ये मुझे समझ गया मैं आप क्या कर रहा हूँ मेरे साथ, मैं आपको हमेशा छेड़ता हूँ आपके कुछ ना कुछ आपके आपकी रानी को भड़काता रहता हूँ तो आप उसे बदला ले रहे हो, मैं समझ गया मुझसे बदला ले रहे हो। तो भगवान ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो नाराज जी ने कहा नहीं मुझे नहीं जाननी, साधु संतों के दर्शन की महिमा नाम की महिमा मुझे नहीं जाननी। तो भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, बस लास्ट है, तुम जाओ वो देखो काशी नरेश है ना, काशी नरेश उनके यहाँ अभी अभी पुत्र हुआ है और उसको जाके भगवान का नाम सुनाओ और अपने दर्शन दो। भगवान ने नाराज जी ने अच्छा मुझे मरवाने जा रहे हो है, अभी तो चलो जीव जंतु थे पशु पक्षी थे इन्होंने कुछ नहीं किया और भेज रहे मुझे कहा काशी नरेश के यहाँ है, वो तो मुझे पकड़वा के कारागार में डलवा देगा है और आप मुझे काशी नरेश के यहाँ भेज रहे हो। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं आप जाओ, मेरी आज्ञा है मेरा आदेश है जाओ। तो नाराज जी बड़े डरते 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 गए वहां, तो वहां बड़ा उत्सव हो रहा था, सारे लोग नाच रहे गा रहे थे, राजकुमार हुए ना राजा के, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, सब जगह नाच रहे गा रहे लोग और हंसी खुशी मना रहे। तो नाराज जी को सबने देखा तो अरे भाई महर्षि नाराज जी आ गए, संतों के दर्शन हो गए, संतों के सबने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, बोला महाराज जी बिल्कुल सही समय पे आए, आइए हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। नाराज जी ने कहा मैं तो भैया क्या आशीर्वाद दूंगा, पता चल जाएगा तुम्हें मैं क्या आशीर्वाद दूंगा उसको। तो नाराज जी गए उसके पास और उस बच्चे को छोटे से बच्चे को नाराज जी के पास लेके आ गए, नाराज जी मेरे से आशीर्वाद दो। नाराज जी ने कहा एक काम करो मैं इसको अकेले में आशीर्वाद दूंगा, आप थोड़ा बाहर चले जाओ। नाराज जी ने देखा गेट के पास खड़े होके ये भागने का भी अच्छा ऐसा अवसर दूंगा, अगर कुछ होगा तो भाग जाऊंगा ऐसे। और वो उस बच्चे के पास गए, उन्होंने दरवाजे बंद करे और दरवाजे बंद करने के बाद उन्होंने उस बच्चे को बोला हरे कृष्ण, बच्चे ने बोला हरे कृष्ण। नाराज जी ने कहा हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नाराज जी ने कहा भैया कैसा बच्चा है तू, अभी तो पैदा हुआ तू कैसे बोल रहा है। कह रहे नाराज जी आपने मुझे पहचाना नहीं। कह रहे नहीं मैं तो पहली बार आया हूँ तेरे पास। कह रहे नाराज जी मैं वही कीड़ा हूँ जो नाली में एक बार आपने जिसे हरे कृष्ण बोला था, मुझे कीड़े की योनि में रहना था लेकिन मैंने जैसे ही आपका दर्शन किया आपके मुख से भगवान का नाम सुना
मेरा उद्धार हो गया और मैं पशु पक्षी योनि में चला गया उससे ऊपर। फिर आप तोते में, जब मैं तोते के बच्चे के रूप में आया, आपने दोबारा मुझे अपना नाम सुनाया और फिर मैं पशु योनि में चला गया। मैं सारी योनियों को बिल्कुल पार करते हुए जब अपने गाय की योनि में आया तो आपने मुझे फिर दोबारा नाम सुनाया। देखिए, कह रहे आपके नाम, भगवान के नाम का और साधु संतों के दर्शन के इतना फल, आज मैं राजा के है, मेरा जन्म हुआ है, आज मैं राजकुमार बना, और तो और ये राजा इतना बड़ा भक्त है, और आपकी 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 कृपा से, संतों के दर्शन भी से, भगवान के नाम से मैं आगे जाके मैं बहुत अच्छा भक्त बनूंगा और मुझे भगवत प्राप्ति होगी। तो भगवान, जब उन्होंने सुना नारद जी ने कि ये भगवान के नाम की महिमा है, संतों के दर्शन की महिमा है, कि ये क्या है, भगवान को भी प्राप्त करा देते हैं। तो ऐसा ही साधु संतों का दर्शन की दर्शन करने का नाम है। तो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ है कि हम लोगों को संतों के दर्शन हुए हैं, उनके मुख से हमें हरिनाम श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा और हमारा कल्याण जरूरी होगा, है ना। तो ये बोल के मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। बोलो श्री गुरुदेव जी की जय। ओम अज्ञाति वरांदस्य ज्ञानंजन सलाख्य चक्षुः उन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपादष्टो तत्सत् श्री श्रीमद्भक्तिना श्री गोस्वामी गुरुदेव महाराज के श्री चरण कमलों में रणकोटि साक्षात् प्रणतनम्। तत्पश्चात् अपने शिक्षक गुरुदेव पूज्य पाश्री नवीन किसदास प्रभु जी के श्री चरणों में रणकोटि धर्म प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव सभी को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। अभी अभी गुरुदेव का आदेश हुआ है कि कुछ कहूँ, पर मेरी ना योग्यता है, ना क्षमता है, ना ही मेरे में इतना ज्ञान है कि मैं कुछ कह सकूँ। फिर भी गुरुदेव अगर मुझे शक्ति प्रदान करेंगे, मुझे बोध बुद्धि प्रदान करेंगे, तो मैं कुछ कहने की चेष्टा करूंगा। तो गुरुदेव के आदेशानुसार आज गुरुदेव हमारे घर में आए हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है, इतना बड़ा सौभाग्य कि इसका वर्णन शास्त्र में नहीं कर सकते। आज गुरुदेव हमारे घर में आए, साक्षात ये बताते हैं कि वैकुंठ से भी ऊपर हो गया। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में कौन रहते हैं? भगवान। और भगवान कहाँ रहते हैं? वैष्णवों के हृदय में। और जब स्वयं वैष्णव आ गए तो फिर वैकुंठ की महिमा कहाँ रही? कि वैकुंठ से भी ऊपर हो गया ये घर आज। साक्षात वैष्णव लोग गुरुदेव पधारे हैं तो ये आज फिर वैकुंठ से भी ऊपर हो गया। वैकुंठ भी नीचे है इसके। तो ऐसे ही आज गुरुदेव के आगे से प्रयास करूंगा कि इस संसार में कुछ भी वस्तु भोगने योग्य नहीं है। ये संसार इतना तुच्छ है, अगर ये बात एक जीव समझ ले तो उसका इस जीवन मरण से छुटकारा मिल जाए। पर कर्म बंधन के कारण, अपने जो संघ है उसके कारण, या अपने पूर्व कर्मों के कारण वो इस बात को नहीं समझ पाता कि बहुत सारी सुकृति के कारण कभी कोई साक्षुत साधु का संग होता है, जब वो समझ पाता है, उसमें भी नहीं समझ पाता, उसमें भी बहुत, जब उसका कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होता है जो वो समझ पाए, जैसे कि आप सब लोग, आज आप सब लोगों को साधु संघ प्राप्त हुआ है, तो आप इतने लोग हैं उनमें से आप बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो, आप अपने भाग्य की कल्पना भी नहीं कर सकते, ये शास्त्र वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें ये गुरुदेव कथा सुनाते हैं। एक राजा था, राजा बहुत ही धनाढ्य था, बहुत शक्तिशाली था, सब कुछ काम करता था, परंतु वो भगवान का नाम नहीं लेता था। तो एक बार साधु उसके दरबार में आए और सोचा कि ये राजा प्रजा की इतनी वो करता है, सेवा करता है, पूरा राज्य सुंदर तरीके से चला रहा है, परंतु इसका कल्याण कैसे होगा। तो उसका कल्याण करने की इच्छा से, भगवत इच्छा से, एक बार साधु उसके दरबार में आए और उस भार दरबार पर जो उसके संतरी थे उनसे कहने लगे, मुझे एक बार राजा से मिलना है। तो संतरियों ने कहा, अभी राजा मिलने का समय नहीं है, आप चले जाइए। तो उन्होंने कहा, बस आप एक बार मेरा संदेश पहुंचा दो कि मुझे राजा से एक बार मिलना है। तो साधु के बहुत आग्रह करने पर वे लोग राजा के पास चले गए उसका संदेश लेकर। तो कहा कि बाहर एक साधु आया है और आपसे मिलना चाहता है। तो राजा तो अपने राज्य पाठ में पूरा बिजी था, उसे तो टाइम नहीं था, टाइम साधु की महिमा जानता तो वो तुरंत मिलता, पर उसने कहा वो कुछ न कुछ लेने की इच्छा से आया होगा, आप उसे लो ये कुछ धन दे दो। तो उन्होंने उसको कुछ धन दे दिया। तो उन्होंने कहा, मैं धन लेने नहीं आया हूँ, मुझे तो राजा से ही मिलना है। तो उन्होंने जाकर फिर राजा को कही, राजा वो धन तो लेना, कोई धन कम होगा कोई बात नहीं, और आप
उनको डबल धन दे दिया। उनको लोग और ज्यादा धन दे दो आप उसको, क्या होता ये धन उसको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने धन दा, उन्होंने कहा मैं कहा ना मैं धन लेने नहीं आया हूँ बिल्कुल भी, मुझे राजा से ही मिलना है। तो राजा ने फिर उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि राजा अभी आपसे नहीं मिलते। उन्होंने धन और बढ़ा के दे दिया, उन्होंने कहा मुझे धन नहीं चाहिए और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उन्होंने वो वहां से चले गए तो उन्होंने रानी से मिलना चाहा। जब वे रानी के दरबार रानी के महल के बाहर गए उन्होंने वहां के दासी को कहा कि मुझे एक बार रानी से मिलना है और उनको बहुत जरूरी सूचना देनी है। और तो दासियां रानी के पास गए तो उन्होंने रानी को जाके बताया कोई बाहर एक संत आए हैं और आपको बहुत जरूरी सूचना देना चाहते हैं, उनके बहुत ही जरूरी सूचना है। तो रानी ने धार्मिक थी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप संत को ले आइए आदर पूर्वक और सम्मान कीजिए। जब रानी के दरबार में वे संत गए तो रानी ने उनका आदर सत्कार किया और बिठाया और पूछा जी बाबा आप बताइए क्या कहना चाहते थे। रानी मैं पहले तुम्हारे पति जो इस राज्य के राजा है उनके पास गया था, मैं उन्हें एक सूचना देना चाह रहा था परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी और ना ही मुझे बोलने का कुछ समय दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे पति है वे 7 दिन के अंदर मरने वाले हैं। ये सुनते ही तो रानी के पैरों के तले की जमीन निकल गई। मगर ये क्या बात कही, मुका हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है तुम्हारे पति 7 दिन के अंदर मरने वाले हैं, ये जाके अपने पति को। तो रानी तो तुरंत सूचना भेजी और राजा तो रानी की सूचना सुनते ही तो वो कादल हो गया, तुरंत भागा। रानी ने बुलाया, जबकि संत ने बुलाया था, जब तो उसके कोई हाथ पैर है नहीं, पर रानी ने बुलाया भाई चल उसका सारा काम धाम चल रहा। तो रानी के भैया चलो, तो रानी के पास आ गए तो रानी संत कहकर तो वो चला गया वहां से। तो रानी ने पूछा राजा से क्या कोई आज आपसे कोई मिलने आया था साधु संत? नुका हाँ कोई आया था, मैंने धन देना चाहा उन्होंने लिया ही नहीं। नुका जब साधु आए थे तो आपका क्या फर्ज था, आपको मिलना चाहिए था सत्कार करना चाहिए था। नुका हाँ, नुका क्यों नहीं मिले? नुका वे कह गए हैं कि आप 7 दिन के अंदर मरने वाले हैं। बस ये कहते तो होता था तो पहले मर लिया जब नुका हो गया था। नुका फिर तुमने उनको रोका क्यों नहीं? नुका तो कहकर चले गए अब आपको करो। तो रवि राजा बहुत पछताया और उसने अपने दरबारियों को भेजकर सम्मान नुका उन संत को जहां भी हो ढूंढ के लाओ, सम्मान दरबार में लाओ और उनका आदर सत्कार करो और फिर मेरे पास लाओ। तो जब सभी उन्होंने सेना उन्होंने भेज दिया, कुछ दूरी पर वे साधु संत मिल भी गए। उन संत को वे आदर सत्कार लेकर आए और राजा ने उनका सम्मान किया और उनको बिठाया और पूछा महाराज आप मेरे से क्या भूल हो गई, तो मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ तो क्या इसका कोई उपाय कैसे हो? नुका राजा ये तो निश्चित है कि तू 7 दिन में ही मरेगा, 7 दिन के अंदर ही मरेगा। तो जी अब मरने वाला था तो क्या हूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नुके एक पर हाँ हम तेरा कर सकते हैं कि तुझे एक स्वर्ग प्राप्त होगा क्योंकि तूने इतना सारा धन धान्य काम किया है, पुण्य काम किया, जितने पुण्य उस पुण्य को बताएगी स्वर्ग प्राप्त होगा। नुका अच्छा जी ठीक है। नुका बस मैं छोटी सी प्रॉब्लम होगी, बाकी तो सब अच्छा होगा, बहुत सुंदर तरीके से ऐश्वर्य भोग करेगा। क्या होगा? बस वहां थोड़े से मच्छर होंगे। नुका मच्छर होंगे जी, मैं क्या करूं, मुझे तो मच्छर बिल्कुल भी नींद नहीं आने की। नुका अच्छा नुका चल वहां एक मच्छर बनने का जुगाड़ भी हो जाएगा। नुका अच्छा ही नुका बस उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम और होगी, नुका उसमें छोटा सा छेद होगा, नुका छेद का मच्छर फिर कटेगा, फायदा क्या उस मच्छर बनने का? नुका चल तो इतना तुमने सारा धन कमाया, इतने धन पुण्य करे तो इसके स्वर्ग में मिल गया, वहां मच्छर बनने मिल गई, तो नु करे यहाँ से सुई धक्का घेर के जेब में छुपो के ले जाइए। अच्छा महाराज आप सब इतनी सारी बात जानते हो, सब कुछ जानते हो, क्या आपको इतना नहीं पता कि सुई धागा तो क्या एक मिट्टी का कण भी यहां से नहीं जा सकता? नुका राजा जब तो इतनी बात जानता है कि अपने साथ एक और तो सारी बात छोड़ दे, मिट्टी का कण भी नहीं जा सकता, तो फिर तो इस राज्य के पीछे क्यों पड़ा है इतना? जब तुमने सब कुछ कर लिया ये राजबात छोड़कर अपना उद्धार कल्याण के लिए क्यों नहीं सोच रहा? तो जब वो राजा को बात समझ में आई वो साधु के संतों के चरणों में गिरकर जब ही उसी दिन उसने अपना वैराग्य ले लिया और अपना राजघाट अपने बच्चों को सौंप के वो तुरंत भजन के लिए चल दिया। तो इस चीज से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इस संसार में कोई भी वस्तु अपने भोगने के लिए नहीं, सारी की सारी चीज ठाकुर जी भोगने के लिए। अगर हम उन वस्तुओं को अपने भोग के लिए आप यूज करोगे तो इस संसार में आप 54 नंबर के चक्कर से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। वांछा कर गए कृपा सिंधु न पाने
अहम अज्ञान के विराम स्थिति आनंद चलाया चक्षुर्मीतम नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियतमने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी तेनामिने सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की चरण समझ में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात में श्री शुक्रदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि दंड ज्ञापन हो। उसके उपरांत श्री धाम प्रभु अन्य समस्त वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंड करता हूँ। अभी बड़ी सुंदर सुंदर कथा आपने श्रवण की, जो यहाँ पर नए आए हैं उनके लिए बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर भक्तों ने बतलाया कि हमें भगवान का नाम करना चाहिए। अब ये नाम कौन सा करना चाहिए, कलयुग में जो महामंत्र है वो सिर्फ हरि का नाम ही है। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अब गीता में भगवान भी कह रहे हैं, अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त वा कले ब्रह्मा य प्रयाति स मदभावम याति नास्त्रित संशया। मतलब अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा वो निश्चित तौर से मेरे धाम को प्राप्त होगा। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। लेकिन प्राप्त किसको होगा? जो स्मरण करेगा अंत समय में। अब जीवन पर्यंत तो हमने स्मरण किया नहीं, अंत में कैसे होगा? इसीलिए संत लोग हमें बार बार सोते से जगाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण, भगवान का हरिनाम, ये जो महामंत्र किया। लेकिन हरिनाम करने में श्रद्धा जागती नहीं, उसको किस प्रकार से जगाया जाए? उसे मधुर मधुर कथाओं को श्रवण करके जगाया जा सकता है। यदि हम कथा श्रवण करेंगे तो ही भगवान का स्मरण, भगवान का हरिनाम करने की हमारी श्रद्धा जगेगी, अन्यथा नहीं जगेगी। क्योंकि संसार में माया बहुत कठोर, बड़ी जटिल है। हमें येन केन प्रकारेण बार बार माया माया में ही लगाती रहती है कि अभी और कुछ पाले, अभी और कुछ ले ले, अभी और कुछ भोग कर ले। इन सब में हमारा समय व्यतीत होता चला जाता है और अंत में प्राप्त क्या होता है? मृत्यु। और मृत्यु प्राप्त होने के बाद, मृत्यु के समय जो है, हमें पूरा जीवन जो हमने किया चलचित्र की तरह हमें दिखाया जाता है कि देखो हमने क्या क्या पुण्य, क्या क्या पाप और कितना समय बर्बाद किया, लेकिन हमारा हरिनाम नहीं हुआ। तब हमें बड़ा पश्चाताप होता है और तब हम प्रभु की प्रार्थना भी करना चाहें तो जीवा साथ नहीं देती, और ये जो हमारी बुद्धि है ये बिल्कुल भी साथ नहीं देती। सिर्फ हम देख सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते। और जो यमदूत के दूत हैं वो अपना पाश डालकर गले में हमारे प्राणों को खींचते हैं, बड़ी चेष्टा वो कर रहे हैं, और हम अपने आप को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं, बड़ा ही दुख होता है। तो इसीलिए यहाँ हम लोगों का सौभाग्य है कि गुरुदेव घर पर ही आते हैं सबको जगाने के लिए, मठ बना रहे हैं, सब आकर के वहां हरि कथा को श्रवण करें और हम सब हरि नाम में लगे। क्योंकि हरि नाम और नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं। लेकिन ये समझ कैसे आएगा? ये समझ ऐसे आएगा जब हम हरि नाम करना प्रारंभ करेंगे, जब सुंदर सुंदर कथा हम श्रवण करेंगे, अन्यथा समझ नहीं आएगा। तो निरंतर हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? मठ में जाना होगा। अभी लॉकडाउन खुल गया, निरंतर सुबह नहीं तो शाम को जरूर जाएं। वहां पर ब्रह्मचारीगण हैं, महाराज जी आए हुए हैं, ये बहुत सुंदर सुंदर कथा परिवेशन करते हैं। इनको सिद्धांत सहित हमें श्रवण करना चाहिए और हमारी निष्ठा जब जग जाएगी, श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाएगी, तो निश्चित तौर से हरिनाम में हमारी रुचि हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए हमें? हरे कृष्णा कृष्णा आगे आगे नहीं पीछे पीछे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर, इतने मधुर हैं, इतने कोमल हैं कि उनको एक बार दर्शन कर ले कोई भी गोपी, कोई भी ब्रजवासी, कोई भी जिसने अभी तक भक्ति का अंग का पालन नहीं किया वह जीव, तो भी भगवान के दर्शन मात्र से अपना जीवन, अपने प्राण भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में न्योछावर कर देता है।
ऐसी एक कथा आती है, जब भगवान सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला कर रहे थे ब्रज के अंदर, गोपियों के घर में जा जाकर के गोरस चुराते थे, माखन चुराते थे, और कोई प्रौढ़ गोपी उनको पकड़ लिया करती थी तो बड़े प्रेम से कहते थे, मैया ए गोपी जाने दो ना, तो कहते ठीक है मैं जाने दूंगी, लेकिन एक बार मुझे भी मैया कह दे तो मैं तुझे जाने दूंगी और माखन भी तुम्हें खिलाऊंगी। तो वो कहते थे मैया जाने दो और माखन दे दो, तो माखन मैया देती थी कोई भी गोपी। ब्रजवासियों का जो भाव है, जो ठाकुर जी आनंद ब्रह्मांड के जो नायक है, उनका ही सब कुछ है, समस्त प्रकार की संपत्ति धन इत्यादि सब कुछ उनका है, तो वो क्यों चुराएंगे। वो भगवान जो है समस्त ब्रह्मांडों के नायक, वो क्या माखन चुराएंगे। वो माखन चुराते इसलिए है कि भक्तों को आनंद विदान हो, उनको आनंद की वृद्धि हो, और खुद भी आनंद का वो अनुभव किया करते थे। इसलिए आनंद का आदान प्रदान हेतु माखन चोरी करते हैं। और इसी प्रकार से जब एक गोपी ने, जो विशुद्रा है, उसने सोचा कि गोकुल के अंदर नंद का जो कुमार है, नंद का नंदन, जिसको देखने के लिए दूर दूर से ब्रजवासीगण आते हैं, मैं भी ये जो फलों से भरी टोकरी है उसको जाकर के फल बेचूंगी, गोकुल में जाकर के फल बेचूंगी और उसका दर्शन करूंगी। तो वो गोपी वहां से चली है, अपने गांव से यमुना जी को पार करके चली है, वो फल बेचा करती थी और पहुंची है गोकुल, और सबसे पूछती है फल ले लो फल ले लो, कोई फल नहीं ले रहा है। भगवान की लीला है, भगवान नहीं चाहते कोई भी इसका फल ले आज। और ऐसे भटकते भटकते और सबको कहते कहते कहां पहुंची है, नंद भवन में पहुंची है, और वहां जाके थक हार करके दोपहर हो चली है, वहां बैठी है और पसीना पसीना हो गई थी वो, बैठ करके अपना पसीना को पोंछ रही है और कह रही है कोई फल ले लो एक बार, बड़े ही मुरझाए हुए स्वर से बोली है। अब यहाँ पर मैया अन्यत्र कहीं गई हुई है किसी सखी के यहाँ, और नंद बाबा भी नहीं है, केवल और केवल कौन है, कृष्ण कान्हा। और वो अभी लेटे हुए थे अपने पलंग पर, जैसी सुना कि कोई आई है गोपी और कह रही है फल ले लो, एकदम तुरंत उठकर चले हैं और जाकर के उस मैया के पास बैठ गए हैं। कहा मैया फल लाई हो, लाओ फल दे दो। तो क्या कहती है, क्योंकि उसकी जीविका चलती फल बेचने से है, कह रही है कुछ धन दो, धन तो मेरे पास है नहीं, तो एक काम करो अन्न दो। पहले क्या होता था, अन्न दे करके भी वस्तुएं प्राप्त की जाती थी, पर ठीक है अन्न तो मैं दे दूंगा, लेकिन यहां तो पूरे ब्रज में ना मेरे सुख धन मांगता है ना कोई अन्न मांगता है, कोई भी कुछ भी मुझे ऐसी दे देता है। किसी भी गोपी के पास जाकर मैं कहता हूँ मैया मैया भूख लगी है तो माखन दे दो, वो कहती है ठीक है, एक बार मैया बोलते माखन दे देती है। आप कैसी गोपी हो, मैं आपको मैया बोल दूंगा तो फल दे दो। तो वो तो देख करके मुग्ध हो गई, कहा ठीक है लेकिन मैं शूद्रा हूं और तुम कहां क्षत्रिय, और तुम इस तरीके से मेरी गोद में बैठोगे। हाँ मैया क्यों नहीं, मेरी तो सब जो है यहाँ पर मैया है, आप भी तो मैया समान है, क्यों नहीं बैठूंगा। और जैसे ही कृष्ण गोद में बैठे हैं उस गोपी की, और प्रेम से कहा है मैया फल दो ना, बस इतना कहा और वो गोपी तो प्रेम में मुग्ध होकर के पागल सी बावरी सी होकर के समस्त फलों को उठा उठा के लुटाने लगी। लो काना ये भी तुम्हारे लिए, ये अनार भी तुम्हारे लिए, ये केलों का गुच्छा भी तुम्हारे लिए, आम समस्त तुम्हारे लिए, इस तरीके से सारे सारे फल लुटाने लगी। और ठाकुर जी के हाथ में कुछ आता नहीं, वो कह रहे हैं ठहरो ठहरो तुम्हारी जीविका नहीं चलेगी ऐसे, रुको मुझे क्या लाने दो, पहले अन्न लाने दो। गए भाग करके और जाकर के भर करके दोनों हाथों से अंक में भरकर लेकर आ रहे हैं अन्न, लेकिन छोटे छोटे हाथ थे ठाकुर जी, ठुमक ठुमक के चलते हैं, पायल जो बांधी हुई है वो छम छम करती है, और सुंदर उनका जो अंग है उसको देख करके वो बावरी और बावरी हो रही है, और वो आ रहे ठुमक ठुमक करके बड़े धीरे धीरे चल करके, हाथी जैसी मदमस्त उनकी चाल है, और जैसे ही चलते हैं एक कदम जैसे बढ़ाते हैं तो हाथ से छलक जाता है अन्न और सारा निकल जाता है। धीरे 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 सारा अन्न जो है निकल रहा है, और ठाकुर जी उस गोपी के पास पहुंचे तो वहां पर मात्र दो चार दाने गेहूं के रह गए, उनको ला करके प्रदान किया, ले मैया आज तो इतना ही आ पाया, बड़ा परिश्रम करके लाया हूं,
इतना सारा लाया था लेकिन तुम्हारे भाग्य में मात्र ये तीन चार दाने, चिंता ना करो, कहना मैंने तुम्हारा दर्शन किया, ऐसा सुंदर दर्शन मैंने सिर्फ सुना था, आज मुझे साक्षात तुम्हारे दर्शन हुए, ये सब कुछ तुम्हारे लिए, लेकिन ये चार दाने जरूर लेकर जाना मैया। उसको बांध दिया, जिस पोटली के अंदर वो सारे के सारे फल थे वो सारे फल तो खुद ले लिए काना ने, और चार दाने किसके दिए, गेहूं के, जाओ मैया ले जाओ। और यहां से वो बावरी जाने का उसका मन नहीं, धीरे धीरे संध्या हो चली लेकिन जाना जरूरी था, उठी है बड़े भारी मन से, और जैसे ही यमुना पार करने चली है तो टोकरी धीरे धीरे इतनी भारी हो गई कि उसको बाहर वहन नहीं हो पा रहा, और अपने ग्राम में जब पहुंची है वहां जाकर टोकरी जैसे नीचे उतारी है, उतार करके जैसे ही उस पोटली को खोला है तो पूरा उसमें जो है बड़े बड़े हीरे जवाहरात आदि धन धनाढ्य सारा भरा हुआ। तो वो रोने लगी, अरे कान्हा तूने तो मुझे आज ठग लिया, इतना सुंदर प्रेम उसके लिए तुच्छ, ये हीरे जिसके लिए मैं पूरा जीवन भर तरसती रही, आज मुझे पता चला ये हीरे हारे कुछ नहीं पत्थर है, और तुम्हारा जो प्रेम है इससे तो करोड़ों करोड़ों गुना वो बहुत उत्कृष्ट है, बहुत ऊंचा है, मुझे तो वही प्रेम प्रदान कीजिए। इस प्रकार से सुंदर सुंदर लीलाओं को हमें श्रवण करना चाहिए, और भगवान का सुंदर स्मरण करके वह फिर कभी उसने फल नहीं बेचे, उसने केवल और केवल क्या किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो पीताम्बरधारी है, घुंघराले बाल है, सुंदर उनका मेघ समान उनका मुखारविंद है, बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें हैं, ठुमक ठुमक के जब चलते हैं, और कभी कभी जो त्रिभंग ललित अपने जो एक पैर को सीधा करके और सीधा पैरों तिरछा करके जब खड़े होते हैं, और थोड़ी सी जो अपनी ये गर्दन है उसको ऐसा कर लेते हैं टेढ़ा, तीन जगह से टेढ़े हैं, और हाथ में बांसुरी लगा करके जब बजाते हैं तो समस्त गोपियां जो है मुग्ध हो जाती है। देखो गोपियों के लिए अलग वंशीनाद करते हैं, ब्रजवासियों के लिए अलग वंशीनाद करते हैं, और ग्वाल बालों के लिए अलग वंशीनाद करते हैं, बछड़ों और गैयों के लिए अलग वंशीनाद करते हैं, जब जिसको पुकारना होता है उस हिसाब से। ये जादूगर है भगवान श्री कृष्ण, इतना बड़ा बड़ा जादू दिखा करके अलग अलग ध्वनि से जिस जिसको बुलाना होता है उसको बुला लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वंशा कल्पतरुष कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय। गर्दमाली तो गर्दमाली अभी आज क्या नाम आपका, रोहतास, इन्होंने नया घर लिया है, और आज जो बुलाए किसके लिए बुलाए, नया घर लिया, इसलिए इन्होंने सोचा हमने नया घर लिया, घर में संत लोग आए, घर में प्रभु का कीर्तन हो, घर में हरि का नाम हो, जिससे घर का मंगल हो, कल्याण हो, इसलिए इन्होंने हरि का पूरा परिवार तो भक्त ही भक्त है, इनका बेटा भी भक्त है, और बड़ा बेटा कहाँ है, इधर आ जा, इधर आ, और उसका हाजिर नहीं हुआ ना, हाजिर नहीं हुआ, हाजिर इधर बैठो, वो नहीं बैठे, इसलिए देखो हमारे शास्त्र में बताए, बोले जिस इधर सुन लो, ए बच्चा कश देश के घर में भक्त लोग आए, घर में भगवान का कीर्तन हो, हरिनाम हो, कहते वो घर नहीं वो भगवान का धाम है, भगवान की धाम है, जिले क्या करनी चाहिए, महाप्रभु कहते गृहवा बने तो ठाको सदा हरि बन जाको, घर में रहो नहीं तो वृंदावन में रहो नहीं तो आश्रम में रहो, लेकिन करो क्या कि जीवन पा करके सदा हरि बोले डाको, हर समय भगवान का नाम लो, ठाकुर जी का नाम ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है ना, इसलिए नियम है जब संत लोग घर में आए कहते उनसे कुछ लो और उनसे कुछ दो, कुछ लो और कुछ दो, कहते ले किया और दे किया, बोले जितनी गंदी चीजों को दे दो, जितना गंदी चीजों को उनको दे दो, और उनसे लो किया बोले भगवान की प्रेम भगवान की भक्ति लो, ठीक है ना, बोले गंदी चीज क्या है, बोले गंदी चीज चार ही, चार गंदी चीज को दे देनी चाहिए संतों की झोली में, क्या पहला नंबर जुआ नहीं खेलनी चाहिए, ठीक है ना, जुआ तो खेलते नहीं कोई है, इसलिए दूसरा नंबर है किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु मत लिया करो,
जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग गुटखा है शराब ये सब चीजों नहीं लेनी चाहिए ठीक है ना। ये सब चीज हाथ नहीं लगाना, शराब वराब नहीं, गुटखा फुटका नहीं, हाथ लगे गुटखा तो चले जाता है, है? सही बोलो नहीं, गुटखा फुटका मत लिया करो, अच्छी चीज नहीं है। गुटखा का जो पहला अक्षर है ना क्या है, गुटखा का पहला अक्षर भू, ये गुटखा नहीं भू है, ये कैंसर कर देता है। जो कैंसर नो आंसर समझ रहे हो, जो कैंसर हो जाता ना फिर तो जितने सब बाहर कदम जो फैशन फैशन पता, इसलिए कैंसर हो जाता है इससे सब के सब, पेट में पथरी हो जाती है। इसलिए ये चीज अगर खाने का इच्छा है ना, सौंफ फूल ले लो, इलाच ले लो, लंग मुंह में रखो जो हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है ना। ये सब चीज मत लिया करना, फिर ना फटो अलग अलग जगह पर, तो फटो लगा हुआ देखोगे, इसके मुंह गल गया, किसी गला गल गया, किसकी जीवा गल गई, बस खत्म, ये चीज मत लिया करो, ठीक है ना। और शराब खराब हुआ तो हाथ लीजिए, आप भी कभी कभी लेते हो, नहीं लेते तो भी चलता है, छावने भट्ठा जी बोला छावने भट्ठा बिल्कुल नहीं, सोप लिया करो, सोप लो अच्छे, नहीं तुम देखना दुकान में जाकर देखना कैसे कैसे लगा करके रखे पटो, देखने पर डर लगता है, इसलिए कहते जवानी में भी सारे दांत निकल जाते हैं, और गुटखा खाते जवानी में भी दांत सारे को सारे बेदांत हो जाते हैं, सारे दांत निकल जाते हैं, अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। और शराब में तो हाथ नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। और चाय की कोशिश करना, चाय को भी धीरे धीरे छोड़ने के लिए, चाय को परिवर्तन में हर्बल टी किया करो, गोकुल टी है, प्रज्ञा है, जो हेल्थ के लिए अच्छा है। धीरे धीरे रामदेव बाबा एकदम मना करता है, चाय मत लिया करो, लो तो गोकुल टी हर्बल टी लो जिसमें हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। और मांस मछली अंडा ये सब नहीं खानी चाहिए, यहाँ तक भी प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। प्याज लहसुन घर में कभी ले आते कभी नहीं, घर में जो भैया कौन है ये है ना, ठीक है। गले में कंठी है तो मैं कुर्ती लग लगा लिया, गल में कंठी पहना करो, ठीक है ना। इसलिए देखो बच्चों, इसे सिंदूर लगाए ना, इसके परिवर्तन में ये ऊर्ध्व पुंडर तिलक लगाए, ये गोपियों का चरण धुलिए, ये गोपियों की चरण धुलिए द्वारका से आता है पवित्र वस्तु है, ये देखो जो तीन है ना, ये ब्रह्मा, ये बीच में विष्णु और ये महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो दो है ये भगवान की दो चरण है। उसका नीचे देखो जैसे ठाकुर के चरण में तुलसी पता देते हैं, ऐसी ये तुलसी दल, मतलब ठाकुर के चरण में तुलसी कर दिया है। भगवान कृष्ण को फटो को भी देखो कहीं है कि नहीं, देखो तिलक कैसे लगाए, फटा नहीं लगाए सीधा। हनुमान जी को कहीं फटो देख लो, तिलक फटा नहीं लगाए, देखना उर्ध कुंड भगवान राम का कहीं तिलक देखो, ठाकुर का राम तिलक खड़े, मतलब भगवान तक जो हमें ले जाए। इसलिए अरे गोपियों की चरण धुली ये द्वारका से आता है, ये पवित्र वस्तु है, इसलिए तिलक ऐसे नहीं पटा नहीं, पटा तो घूमते रहोगे संसार, जो ऐसे पटा लगा था ना घूमते रहेंगे संसार, इसलिए ऐसे लगाओगे तो भगवान के पास में जाओगे, ठीक है। सब तिलक ऐसे लगाया करो, बेटा जैसे लगाते हैं और तुम्हारी बहू जैसे लगाएंगे, और गले में तुलसी की कंठी पहना करो, ठीक है। क्या पहनो गले में, जब तू गले में तुलसी कंठी पहनोगे, जब स्वयं कहते हैं तब जो भजन नहीं करते उनको पकड़ पकड़ के लाना, तब जमदूत कहते पता कहीं चलेगा ये भक्ति करता है कि नहीं करता है। बोले दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू और एक फालतू है, कहते जो पालतू कुत्ते हैं उनके गले में पट्टा बंधा रुवा रहता है, देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ते हैं, और जो फालतू कुत्ते हैं ना देखना रोड रोड पर घूमते हैं बिना पट्टे के, देखना पालतू का तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, इसलिए हमें फालतू नहीं बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, किसकी पालतू, ठाकुर जी गले में तुलसी जम कह रहे हैं, भागवत पढ़कर देखो वहां जब का आदेश है, ललाटे तिलकम ललाट में जरूर तिलक, कंठे त्रिकंठी का गलम जरूर तुलसी कंठे, और भगवान की माला जप कर ठाकुर जी के नाम, कहते भक्तों का तीन लक्षण है, क्योंकि कहते अरे सर माला क्या जरूरत है, दिखाने का जरूर जरूरत है, अपना मन मन में करो ना, दुनिया को क्यों दिखाओगे। देखो संत उदाहरण क्या देते हैं, जैसे ये स्त्रियां सधवा है, हमें कैसे पता चलता है सधवा है, देखो मांग भरी है, सिंदूर लगाए, मंगल सूत्र पहने, शंखा पहने, इससे पता चलता है नहीं ये सदभाव है, ये दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत, तो अंदर में रखो ना पतियों को, इतने क्यों मांग भर रहे हो, सिंदूर क्यों लगा रहे हो, दुनिया को दिखाने का क्या जरूरत है, कब से पति बने, शादी से पहले भी मतलब था,
बीच में अगर झगड़ा हो गया था, डिवोर्स हो गया गया, तो उसी के लिए जो तुमने इतने सिंदूर बिंदूर और क्या क्या मांग नाक में बेसन इतने भर ले, तो जो मरने वाले पति, जो असली पति है, जो दुनिया की पति और जो जन्म जन्मांतर का जो पति, उसके लिए कुछ करनी चाहिए कि नहीं चाहिए करनी चाहिए? जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, जब तक यूनिफॉर्म ड्रेस नहीं पहनेगा ना, घर स्कूल में घुसने नहीं देंगे, यूनिफॉर्म को साथ में पढ़ेगा कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो? इसलिए तिलक की जरूरत है, समझ रहे हो? ये तिलक लगानी चाहिए गले में, तुलसी की कंठी पहना करो, नहीं तो जमदूत कहते हैं, जब महाराज उसको भागवत में कपिल देव अपना माँ को कह रहे हैं, कहते मरने का बाद 99 जोजन गले में रस्सी बांध करके जमदूत गर्म रेतियों को ऊपर में उसको घिसड़ते बदना घिसड़ते हुए लेकर जाते हैं, 99 जोजन गर्म रेतियों में घुस घिसड़ कर ले जाएंगे उसको। बाद में फिर उनको क्या होता है, उनको बेहतरीन नदी पार करना पड़ेगा, जो बेहतरीन नदी हो टाटी पे सब खून पी का है। इसलिए देखना भारत में, इसलिए भारत में देखना जब कोई व्यक्ति मरता है ना, 13 दिन के बाद में शुद्धि क्रिया होता है। 13 दिन बाद में क्यों? तुम्हारे घर में गरुड़ पुराण पढ़ाई होता है, मरने के बाद ना गरुड़ एक वर्णा आदमी, वो टाटी पेशाब खून पी का जो नदी उसको पार करने के लिए उसको 13 दिन लगता है। और कैसे पार कराते हैं? कोड़े मार मार करके हैं, कोड़े मार मार कर पार कराते हैं। फिर उसको बाद में 13 दिन के बाद में फिर क्या होता है, फिर ले जाते हैं। जैसे जैसे कर्म तुमने किया, कर्म के अनुरूप वहाँ 84 पर नरक है वर्णा किया है। जो जैसे जैसे कर्म किया, कैसे आग में डाल रहे हैं, किसको जैसे पकड़ा बनाते हैं, उसको पकड़ा जैसे भून रहे हैं, किसको जैसे जानवर को मारे, घर में काट रहे, बड़ा कष्ट दंड देते हैं, हैं? बोले किन लोगों को दंड है, ये सब दंड मिलता है? बोले जिनकी गले में तुलसी की कंठी नहीं है, जो तिलक नहीं लगाए, जो माला जप नहीं करते, उनको देते हैं। अगर गले में कंठी देख लिया ना जमदू, वो समझ जाए कि फालतू बुले नहीं, रोड में घूमने वाले कितनी ये पालतू है, किसकी बाकी बिहारी की, समझ रहे हो? गले में कट्टी जरूर लगाए, पर मैं नहीं कह रहा हूँ, जमदूत कह रहे, गले में कट्टी और तिलक ऐसे नहीं पोटा नहीं घूमते रहोगे संसार, इसका कोई महत्व नहीं है तिलक का। तिलक होनी चाहिए खड़े तिलक होनी चाहिए, जैसे ठाकुर को देखो, ठाकुर जैसे लगाए ऐसे तिलक होनी चाहिए, और होनी चाहिए गोपियों की चरण की धूल होनी चाहिए, ब्रजवासियों का चरण धूल, ठीक है ना? ये सब चीज को ठीक करना, और भगवान की नाम को जप करना, जैसे नहा धोकर की, ठीक है, नहा धोकर के ठाकुर के सामने बैठो, थोड़ी सी मिनट ठाकुर को दिया कर। दुनिया के लिए तो बहुत देते हैं, दुनिया के लिए दे रहे कि नहीं? दुनिया के लिए तो बहुत कुछ दे रहे, लेकिन किसके लिए दो? ठाकुर के लिए कुछ समय दो, सवेरे बैठ करके माला ले करके है, जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम माला को जरूर जपा करो। क्यों? अंतिम समय में अभी वो प्रभु जी कथा सुना रहे थे ना, सुन रहे थे कि नहीं? जब मरने का समय आए हैं, जब उसको बोले ना राजा, बोले महाराज आप जाते समय के सुई धागा ले जाना, बोले क्यों? बोले मच्छर का कोड़े में छेद है ना, एक सुई धागा ले जाना और उसको सिलाई कर दोगे तो बस चैन से सो गए। बोले सुई धागा कैसे ले जाएंगे, मरते समय तो यही जला देंगे, सुई धागा कैसे ले जाएंगे? बोले राज कार्य में इतने बिजी हो, इतने बिजी हो तेरे को एक जिस राज्य से एक सुई धागा भी तू ले नहीं सकते हो, सब तेरे को छोड़ कर जाना पड़ेगा, सुई धागा भी साथ में नहीं जाएगा, जाते समय क्या जाएगा? अब मरते समय देखना, देखो मरते समय 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, यही बोलते है ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठ है, क्या मतलब क्या है? कहते बेटा जितने तुमने राम का नाम और कृष्ण का नाम लिया वही तेरे साथ जा रहे, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया, बोले छोटे भी जीवन बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही है, पत्नी रो रो कर दरवाजे तक चली गई उसके आगे नहीं, परिवार शमशान तक उसका आगे कुछ नहीं चलेगा, आगे कहेंगे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने राम का नाम लिया वही है और सब जगह में सब खो गए। जब जाएगा वही और कुछ जाएगा नहीं तुम्हारे साथ में, और जो जाएगा नहीं उसको पीछे दिल भर लगे, और जो जाएगा उसके लिए कुछ भी नहीं करते, ठीक है ना? इसलिए सवेरे उठ करके नहा धो करके सारे कर्तव्य को पीछे रख लेना, सारे काम धाम को, वो होता रहेगा, समझ रहे हो?
पहले माला लेकर के भगवान के दरबार में बैठो, बैठ कर थोड़ा प्रभु का नाम जप करो, क्यों जाएगा यही बस नाम पर दिन भर तो कोई काम करो कोई दिक्कत नहीं। अरे जो काम काम नहीं, जो भक्तों का घर भगवान भगवान का धाम होता है, जो कोई काम करो ये समझ करके ठाकुर का सेवा करे, क्योंकि पैसा लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं होगा तो घर में गोपाल बैठे ना ठाकुर बैठे, लक्ष्मी नहीं होगा तो उनका सेवा कैसे होगा, इसलिए हम काम कर रहे हैं ठाकुर जी की सेवा होगा लक्ष्मी से, ठीक है ना। और घर में जो खाना बनती है किस लिए खाना बना रहे हो, ठाकुर को भोग लगाएगा, लगाते कि नहीं, गले में कंठी है कि नहीं, तो फिर गले में कंठी नहीं होगा तो तुम्हारी हाथ का वस्तु ठाकुर खाएंगे नहीं, ठाकुर भूखे नहीं खा लेंगे तुम्हारी हाथ का। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं पंच रचित ये अधम शरीर, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शरीर में क्या है, वो टाटी पेशाब पीक खून और कुछ नहीं शरीर में, पेट को किसको फाड़ दो सो भाग जाएगी यहाँ से। अब ब्यूटी पार्लर में जाओ बढ़िया करके सब दर्ज करके आओ, 10 मिनट 5 मिनट धूप में चले जाओ तो बाहर सारे तुम्हें रोम रोम से बदबू निकलेगा, सवेरे उठो मुंह से बदबू, आंखों से बदबू, नाकों से बदबू, नीचे से तो बदबू बदबू है। इसलिए अधम शरीर है, ये शरीर में गल में कट्टी नहीं ना तो ठाकुर की सेवा में नहीं लग सकते हो, ठाकुर का चीज छू नहीं सकते हो, वो छूना तो अपवित्र हो गया, क्योंकि टाटी पेशाब का फाड़ है, ठीक है। क्या करना, गले में तुलसी कंठी पहनना, मैया को लेकर मंदिर में तुलसी कंठी पहन के रह जाना, ठीक है ना। और तुम भी है, तेरे को बोल रहा हूँ उधर क्या देख, अब गुटका छोड़ना, ठीक है बाबा। क्या करना बोलो, हरिनाम करना, हरिनाम कर, गले में कंठी कहा तुम्हारी नहीं, और कोई दूसरा दिन पर कट्टी टूट गया, गले से कट्टी टूट गया तो गुरु जी कहते थे जब तक दो बार उसको नहीं पहने लो पानी मत पिया करो, गुरु जी मना करते थे, क्योंकि जो कुछ पीते हैं खाते हैं गले में कंठी हो तो पवित्र बनकर अंदर में जाएगा, कोई बोली बोलेंगे तो टच कर तो ये पवित्र होकर के निकलती है। अब करुणा दिखाए ना, दिखाई नहीं करुणा, कितना भयंकर रूप धारण किया, अगर गले में कोई अगर अगर गले में तुलसी कट्टी सीधा भगवान बस जाओगे, अगर कट्टी नहीं फिर तो फालतू बुद्धि डंडे मारते मारते ले जाए, इसलिए फालतू मत मना करे, क्या हो ना ठाकुर जी की फालतू बनाओ, हरि नाम करो, अब खूब सुखी में रहो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की, और सबके सब मंदिर में तो आयो, शाम को कथा होती है, शाम को रोज रोज कथा होती है, आना सबके सब घर, ठीक है, सबके सब मंदिर में आना। बोले गोविंद जय जय गो, प्रसाद तैयारी ना, तैयार भोग लग गया, जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा गोविंद जय जय राधा Yeah.
था।